तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी, जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है, वहां दुख तकलीफ कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया, 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंडा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है। से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो, किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है, बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने, पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां, इन 3 बेटियों का नाम, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत 16 श्राद्ध के 16 दिन में से 1 दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितृ
पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं।